फास्ट या फेस्टिवल में पहले तो हम अनहेल्दी शुगरी स्वीट्स और स्नैक्स खाते हैं और फिर हमें गिल्ट होता है। तो आज मैं आपको 3 झटपट से बनने वाली नो शुगर हेल्दी और डिलीशियस स्वीट्स और स्नैक्स बनाना बताऊंगी, जिसे आप प्रिपेयर करके एयर टाइट बॉक्स में 15 डेज तक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की बर्फी बनाएंगे, जिसे आप एज अ एनर्जी बाइट भी खा सकते हैं। इसके लिए 2 कप डेट्स के सीड्स को निकाल कर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने 1/2 कप काजू, बादाम और अखरोट लिया है। आपके पास जो भी नट्स हैं आप ले सकते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 8 मिनट तक रोस्ट करने के बाद कोसली ग्राइंड कर लेंगे। नट्स को आप रुक रुक के ग्राइंड करना, वरना इसके ऑयल के वजह से इसका पेस्ट बन जाएगा। आप चाहे तो 1 टेबलस्पून पॉपी सीड या पोस्ता दाना को 2 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट करके इस मिक्सचर में मिला सकते हैं। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून घी गरम करके डेट्स के पेस्ट को 4 से 5 मिनट तक वार्म करेंगे, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। शुरू में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें नट्स का मिक्सचर मिला के गैस ऑफ कर दीजिए। अब इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल के फोक से अच्छे से मिक्स कीजिए। ये अभी थोड़ा वार्म ही होगा। इस मिक्सचर को आप लड्डू या इस तरह से शेप दे सकते हैं। यहाँ मैंने इसे सिलिंड्रिकल शेप देके 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखा है और फिर इसे कट कर लूँगी। ये रेडी हो गई हमारी एनर्जी बाइट, जिसे आप गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। अगली रेसिपी एक स्नैक की है, जिसे हम हेल्दी और न्यूट्रिशियस मखाने से बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 4 कप मखाने और 1/2 कप मूंगफली को रोस्ट कर लीजिए। अब 1/2 टीस्पून घी गरम करके उसमें 3 टेबलस्पून गुड़ या जैगरी और 1 टेबलस्पून पानी डालकर लो फ्लेम पे 2 मिनट पकाएंगे और फिर इसमें 1 टेबलस्पून रोस्टेड तिल और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर मिक्स कर लीजिए। फ्लेम ऑफ करके इसमें रोस्टेड मखाने और मूंगफली को अच्छे से मिलाइए। गुड़ की कोटिंग मखाने पे होनी चाहिए। जब ये वार्म हो तो इसे एक प्लेट में निकाल कर सारे मखाने को अलग करना होगा। ये लो, हमारा नो शुगर कैरमल मखाना रेडी है। हम 5 मिनट में हेल्दी और क्विक लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 कप गुड़ या जैगरी को 1/2 कप पानी के साथ लो फ्लेम पे डिजोल्व करेंगे। फिर इसे 2 मिनट और पकाइए। जब गुड़ का कलर लाइट हो जाए तो इसमें 1/2 कप नारियल का बुरादा, 2 कप पफ्ड रामदाना या एमरंथ और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर और हाथों में घी लगा के जल्दी से इसके लड्डू बना लीजिए। आप चाहें तो इसे नारियल के बुरादे से कोट भी कर सकते हैं। ये रेडी है हमारा नो शुगर हेल्दी लड्डू। अब अगली बार जब फास्ट में जोरों की भूख लगे तो कुछ फ्राइड या शुगरी खाने की जगह इन सब डिशेस को ट्राई कीजिए और ऐसी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।